केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को आए दिन किसी न किसी बात पर घेरती नजर आई है। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते दिल्ली को सुधारने के लिए काफी हद तक सुधार किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पानी बिजली फ्री करने का वादा किया था। अपने इस वादे पर आम आदमी पार्टी खरी उतरी, लेकिन फिर भी बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगाते नहीं थकती। अब फिर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार की योजना है कि दिल्ली के निजी अस्पतालों के आईसीयू में दिए जाने वाले बेड को मरीजों के लिए मुफ्त कर दिया जाए। दरअसल 26 नवंबर को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा सौंपते हुए कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में आईसीयू मिल पाना मरीज के लिए मुश्किल हो और अगर सरकारी अस्पताल द्वारा उसे रेफर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निजी अस्पतालों में फ्री में आईसीयू बेड मिल सके, इस योजना पर काम चल रहा है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मरीज का इलाज मुफ्त में होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें सभी दिल्ली वासी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और इसमें व्यक्ति के आय से संबंधित कोई अड़चन नहीं है। दिल्ली सरकार की योजना है कि निजी अस्पतालों में मुफ्त आईसीयू बेड की व्यवस्था दिल्ली आरोग्य कोष के तहत दी जाए। दरअसल ये याचिका एक नैनीहाल के दिल्ली के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर फिटेड बेड न मिल पाने की वजह से हुई मौत से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कहा गया है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर के निर्देश के मुताबिक निजी अस्पतालों में 100 या उससे ज्यादा बेड की बात कही गई है, जिसमें कम से कम 3 आईसीयू बेड की व्यवस्था दी गई है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर से मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम के पास न्यूबॉर्न की देखरेख के लिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार 33 टेरिटरी केयर हॉस्पिटल चलाती है, इसमें कुल बेडों की संख्या 10,059 है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।